आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह राजस्थान के शहर जोधपुर में आज मुल्क ही में तैयार किए गए पहले हल्का लड़ाका हेलीकॉप्टर्स को भारतीय फजाइया में शामिल करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू और कश्मीर का 3 रोजा दौरा करेंगे। मवासलात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत का पूरे मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी के लिए 100 लेबोरेटरीज कायम करने का मंसूबा है। मरकज ने दशहरे से पहले रेलवे मुलाजिमीन को 78 दिन की उजरत पर मुश्तमिल बोनस दिए जाने की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 2 रोजा दौरा करेंगी। बिहार के वजीर ज़राअत सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और भारत के रोहन बोपन्ना और उनके नीदरलैंड्स के साथी मैथ्वे मिडलकूप ने ATP 250 टेल अबीब वाटर जेन ओपन के मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज राजस्थान के शहर जोधपुर में मुल्क ही में तैयार किए गए पहले हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर्स LCH को भारतीय फजाइया में शामिल करेंगे। एक ट्वीट में वजीर दिफा ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर्स को शामिल किए जाने से भारतीय फजाइया की जंगी महारत में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। ये हेलीकॉप्टर हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया है। HAL के मुताबिक ये हमला करने वाला दुनिया का वाहिद ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर या 16400 फुट की ऊंचाई पर उतर सकता है और परवाज कर सकता है। इसके अलावा इसमें भारी तादाद में हथियार ले जाए जा सकते हैं और ईंधन भरा जा सकता है। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कल खसूसी स्वच्छता मुहिम दोयम का आगाज किया। इस मुहिम में स्क्रैप को ठिकाने लगाने और सरकारी कामकाज में ताखीर को कम से कम करने पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि यह खसूसी मुहिम इस साल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बापू जयंती के मौके पर शुरू की गई है और इसका मकसद अवामी शिकायत का बरवक्त और मौसर इजाला करना, नीज स्क्रैप को ठिकाने लगाने को यकीनी बनाना है। डॉ सिंह ने कहा कि वजारतों और सरकारी महकमों ने सफाई सुथराई मुहिम के लिए 67,000 से ज्यादा जगहों की निशानदेही की है। उम्मीद है कि इस मुहिम में 1,50,000 डाकखाने, रेलवे स्टेशन और दीगर सरकारी दफातर शामिल किए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा करेंगे। वो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे, आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेंगे। जनाब शाह आज शाम जम्मू पहुंचेंगे और चंद वफूद से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि सीनियर बीजेपी लीडर्स भी जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के बारे में तबादले ख्याल की गरज से जनाब शाह से मुलाकात करेंगे। तफसील हमारे नामा निकास से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल सुबह त्रिकुटा हिल्स में वाकई श्री माता वैष्णो देवी जी की मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। वजीर दाखिला राजौरी और पूंछ दोनों सरहदी इलाकों की पहाड़ी कम्युनिटी से बराह रास्त बात करेंगे। राजौरी में अपने अवामी जलसे के बाद वजीर दाखिला जम्मू लौट आएंगे और जम्मू पूंछ कौमी शाहरा से मुत्तसिल जम्मू अखनूर फ्लाई ओवर और दीगर कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो शाम को श्रीनगर रवाना होने से कबल बीजेपी के सीनियर लीडरों की मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह बुध को बारामूला में एक अजीम रैली से खिताब करेंगे जिसमें पूरे कश्मीर और खास तौर पर शुमाली कश्मीर के लोग शिरकत करेंगे। जनाब अमित शाह मरकज के जरिए अंजाम दी गई मुख्तलिफ तरक्याती कार्रवाईयों और तरक्की के महाज पर किए गए इकदाम के बारे में भी बातचीत करेंगे। बुध के रोज वजीर दाखिला श्रीनगर जाएंगे और मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाईयों के बारे में पेशरफ्त दरअंदाजी और अमन कानून का जायजा लेने की गरज से राजभवन में सिक्योरिटी की एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह वादी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जरिए तामीर किए जाने वाले एक कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रखेंगे। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट। टेली मवासलात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत का पूरे भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए 100 लैब्स कायम करने का मंसूबा है और इनमें से कम 12 लैब्स को तलबा को तरबियत देने और तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी वजीर ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में शिरकत करने वाली कंपनी से भी कहा है कि वो एक नए टेलीकॉम बिल के लिए अपनी मालूमात फराहम करें जिसके तहत हुकूमत लाइसेंस निजाम को आसान बनाना चाहती है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत तमाम टेलीकॉम सरबराहों के लिए लाइसेंस के निजाम को आसान बनाने के लिए काफी सरगर्मी से काम कर रही है।
टेलीकॉम के वजीर ने कहा कि स्टार्टअप्स और छोटी, बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनअतों एमएसएमईज में जो इस्तेहकाम आया है उससे वो काफी खुश हैं और अब उन्होंने आवाम के फायदे के लिए देही इलाकों का रुख किया है। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने 2021-22 के माली साल के लिए आरपीएफ या आरपीएसएफ अमले को छोड़कर मजाज गैर गजटेड रेलवे मुलाजमीन के लिए 78 दिन की उजरत के मुसावी पैदावारियत से मुंसलिक बोनस पीएलबी की अदायगी को मंजूरी दे दी है। तवक्को है कि इस फैसले से तकरीबन 11,27,000 गैर गजटेड रेलवे मुलाजमीन को फायदा पहुंचेगा। बोनस की अदायगी दशहरे और पूजा की छुट्टियों से कबल की जाएगी। इसके अलावा त्योहारों के मौसम से पहले बोनस की अदायगी से लाखों कुनबों के लिए मुसर्रत का बाइस बनेगी। इस्तेदाद से मुंसलिक बोनस एक तरगीब के तौर पर काम करेगा और इसके नतीजे में रेलवे मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद, खसूसन उन मुलाजमीन को जो रेलवेज की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, तहरीक मिलेगी और उनकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। इससे रेलवे मुसाफिरों के लिए तहफ्फुज और खिदमात को यकीनी बनाया जा सकेगा और वो जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इस्तेदाद से मुतालिक बोनस की अदायगी आइंदा त्योहारों के मौसम में मईशत को तकवियत फराहम करेगा। अलबत्ता रेलवे मुलाजमीन को 78 दिन के बोनस की अदायगी से 1,832 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली बार पड़ेगा। हर मजाज रेलवे मुलाजिम को 78 दिन का जो बोनस दिया जाएगा वो 17,951 रुपए होगा। वजारत खजाना अगले महीने की 15 से 26 तारीख तक मुल्क में माली शमूलियत के फ्रेमवर्क में और ज्यादा गहराई लाने के लिए एक खसूसी मुहिम का इनेकाद करेगी। इस मुहिम का आगाज इब्तदाई तौर पर मुल्क के 7 जिलों में ग्राम पंचायत की सतह पर किया जाएगा। ये जिले हैं ओडिशा में कटक, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और पुणे, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, मध्य प्रदेश में दातिया और आसाम में बारपेटा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के दफ्तर ने एक ट्वीट में बताया कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा बैंक खाते खोलने, ज्यादा से ज्यादा अहल अफराद को बीमा और पेंशन की सहूलत फराहम करने की स्कीमों, नीज किसानों की पैदावार से मुतालिक तंजीमों को ज्यादा से ज्यादा कर्जे दिए जाने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मुहिम में मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी के पेशे से वाबस्ता मजीद अफराद को मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड फराहम करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। केवाईसी का अमल पूरा करके छोटे खातों को मामूल के खाते बनाने पर खसूसी तवज्जो देते हुए मौजूदा खातों को मोबाइल और आधार से जोड़ना भी इस माली शमूलियत की मुहिम का हिस्सा होगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 2 रोजा दौरे पर गुजरात रवाना हो रही हैं। भारत का सदर बनने के बाद उनका गुजरात का यह पहला दौरा होगा। मोहतरमा मुर्मू अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा करके अपनी मसरूफियात का आगाज करेंगी। बाद में दिन में वो गांधीनगर में सेहत, आबपाशी, पानी की सप्लाई और बंदरगाह की तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी। वो गांधीनगर में एक शहरी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगी। इनके एजाज में इस इस्तकबालिये का एहतमाम गुजरात सरकार कर रही है। कल सदर जमहूरिया खवातीन सनतकारों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के एक प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का आगाज करेंगी। मोहतरमा मुर्मू अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में तालीमी और कबाइलियों की तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जिरात के वजीर सुधाकर सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया है और इसे मंजूरी के लिए गवर्नर फग्गू चौहान को भेज दिया है। सियाहत के वजीर कुमार सर्वजीत को नया वजीर ज़िराअत बनाया गया है। इससे पहले ज़िराअत के वजीर सुधाकर सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अपना इस्तीफा नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को पेश कर दिया था। कानून के वजीर कार्तिकेय सिंह के बाद सुधाकर सिंह ऐसे दूसरे वजीर हैं जिन्होंने नीतीश कुमार काबीना से इस्तीफा दे दिया है। अलबत्ता सिंह ने कहा है कि हुकूमत के आदाद और शुमार खुद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो ज़रई शोबे में पूरी तरह नाकाम साबित हो गई है और किसी भी तरह अपने मकासिद को हासिल नहीं कर सकी है। बिहार के वजीर ज़िराअत के इस्तीफे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए रियासती बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने कहा है कि सुधाकर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो ज़िराअत के महकमे में बदउनवानी के मामले को उठाया करते थे। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था
पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान प्राइमाप कर रहा था 700 रुपए 800 रुपए में, बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिलकर के यह पूरा नेटवर्क चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। खादी और तेही सनतों के कमीशन केवीआईसी ने अपनी सभी मसनूआत पर 20% रियायत का ऐलान किया है। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने वस्ती दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में भारत के अहम स्टोर खादी भवन का दौरा किया। गांधी जयंती पर इस शोरूम में एक दिन में सबसे ज्यादा फरोख्त की गई खादी पर 20% जबकि देही सनतों की मसनूआत पर 10% रियायत दी जाएगी। नौजवान मुसन्निफीन की तरबियत के लिए वजीराजम की स्कीम युवा दोयम का कल आगाज किया गया। स्कीम का मकसद मुल्क में किताबें पढ़ने, किताबें लिखने और किताबों को फरोग देना है। पहली युवा मुहिम में भारत की 22 मुख्तलिफ जबानों और अंग्रेजी के नौजवान और उभरते हुए मुसन्निफीन के बड़े पैमाने पर शामिल होने के खातिरखा असरात के पेश नजर युवा दोयम का आगाज किया गया है। वजारत तालीम ने बताया कि युवा दोयम वजीर आजम के विजन के ऐन मुताबिक है ताकि नौजवानों को भारतीय जमहूरियत को समझने और सराहने की हौसला अफजाई की जाए। वजारत ने बताया कि इस साल 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक www.mygov.in पर मुनक्किद कराए जाने वाले एक कुल हिंद मुकाबले के जरिए 75 मुसन्निफीन को मुंतखब किया जाएगा। मुकाबले के फातहीन का ऐलान अगले साल 28 फरवरी को किया जाएगा। इन नौजवान मुसन्निफीन को मुमताज मुसन्निफीन और तरबियतकार 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक तरबियत देंगे। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके नेदरलैंड्स के साथी खिलाड़ी मात्वे मिडिलकुप ने कल मर्दों का एटीपी 250 तेलवीव वाटरजेन ओपन डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में डच जोड़ी ने सांतियागो गोंजालेस और एंड्रेस मोल्टेनी की मेक्सिको अर्जेंटीना की जोड़ी को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। इसी दौरान दुनिया के साबिक नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फाइनल में मारिन सिलिच को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर मर्दों का तेलवीव वाटरजेन ओपन का खिताब जीत लिया है। क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी में बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में अपने दूसरे टी20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 16 रन से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 237 रन बनाए, जवाब में जनूबी अफ्रीका 221 रन बना सका। हालांकि डेविड मिलर ने 47 गेंदों में 106 रन बनाए थे। अब तीसरा और आखिरी टी20 मैच कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के कई अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने कल बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किए जाने की खबर को अव्वलियत दी है, जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है महात्मा गांधी की सालगिरह पर पूरे मुल्क ने पेश किया खिराज अकीदत, अदम तशद्दुद के आलमी दिन पर अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की लोगों से अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की अपील। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़, बहुत से अफराद हलाक और जख्मी, फुटबॉल एसोसिएशन ने दिया जांच का हुक्म, इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक तमाम मैच मुअत्तल, इस खबर को अखबार मशरक प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पेश किया है। रोजनामा अखबार मशरक समेत कई अखबारों ने इस खबर को नुमाया किया है कि रिलायंस जियो ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G से कनेक्टेड एम्बुलेंस मुतारिफ कराई। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह राजस्थान के शहर जोधपुर में आज मुल्क ही में तैयार किए गए पहले हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर्स को भारतीय फजाइया में शामिल करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा करेंगे। मवासलात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत का पूरे मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी के लिए 100 लेबोरेटरीज कायम करने का मंसूबा है। मरकज ने दशहरे से पहले रेलवे मुलाजमीन को 78 दिन की उजरत पर मुश्तमिल बोनस दिए जाने की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 2 रोजा दौरा करेंगी। बिहार के वजीर ज़राअत सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और भारत के रोहन बोपन्ना और उनके नेदरलैंड्स के साथी मात्वे मिडिलकुप ने
ATP 250 तेल अबीब वाटर जेन ओपन के मर्दों का टबल्स का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।